नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। रुख करते हैं खबरों की ओर। बुंदेलखंड के महोबा में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुंदेलखंड को 3500 करोड़ की 9 परियोजनाओं की सौगात दी है। इसमें उन्होंने 7 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जबकि 2 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। महोबा के मोदी ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में गडकरी के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2024 समाप्त होने से पहले बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश की सारी सड़कें अमेरिका के बराबर होंगी। वहीं महोबा पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि बुंदेलखंड और महाराष्ट्र में पुराना रिश्ता रहा है। उन्होंने कहा कि छत्रसाल महाराज और छत्रपति शिवाजी के बीच गहरी मित्रता थी। उन्होंने जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश में इंडस्ट्री और सिंचाई बढ़ रही है। 2024 समाप्त होने से पहले बुंदेलखंड देश के रोड अमेरिका जैसे हो जाएंगे। और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के विकास की आधुनिक सोच की वजह से आज 9 राष्ट्रीय राजमार्गों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। सड़कों का जाल विकास का रास्ता होता है। चिंता मत करिए, मैंने वादा किया है और मैं उन नेताओं में से नहीं हूं। अगर मैं कहूंगा तो डंके की चोट पर पूरा करके दूंगा। अभी मैंने अनुराग शर्मा जी के प्रपोजल पर कहा कि ये काम हो नहीं सकता और मैं कर नहीं सकता। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं और इसलिए आपको वचन देता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले बुंदेलखंड के और उत्तर प्रदेश के रोड नेशनल हाईवे अमेरिका के बराबर बनेंगे ही। आप भूल जाओगे पुरानी यादों को, ऐसे रोड बना देंगे कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। और महोबा भी तो बाबा गोरखनाथ की ही पावन साधना स्थली है। वीर आला और उदल की भूमि है। और मुझे बताया गया कि गोरखगिरी में अब तो पर्यटकों की संख्या पहले की तुलना में 3 गुना से अधिक बढ़ चुकी है। और जब रोपवे बन जाएगा तो ये और आगे बढ़ जाएगा। अभी वहां पे लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम चल रहा है और भी सुविधाएं वहां बढ़ेंगे। लेकिन भाइयों बहनों, ये संजोग है कि विकास की अपनी आधुनिक सोच के साथ